आज के समय में जो बात कनाडा में है वे और कहीं नहीं है। लोग यहाँ आकर बसने के लिए इच्छुक रहते हैं क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बाकी सुविधाओं की दृष्टि से कनाडा बेहतरीन देशों में से एक है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कनाडा में रहने के लिए 10 सबसे बेहतर शहर कौन से हैं, वो भी हर शहर की आबादी की जानकारी के साथ। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बर्लिंगटन, ओंटारियो। बर्लिंगटन उन लोगों के लिए बेहतर जगह है जो लोग बड़ी और घनी आबादी में रहना पसंद करते हैं। यहाँ का रहन सहन बहुत अच्छा है। यहाँ अच्छे स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं और जॉब उपलब्ध है। ये शहर महंगे शहरों में से एक है। यहाँ क्राइम रेट कम होने के साथ खुशनुमा माहौल और रोजगार शहर में पर्याप्त मात्रा में है। यहाँ कई कारखाने, उद्योग और व्यापार उपलब्ध हैं। किंगस्टन, ओंटारियो। इस शहर को कनाडा का सबसे रोमांटिक शहर कहा जाता है, जो हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर, खूबसूरत रेस्टोरेंट और झील के लिए भी जाना जाता है। ये भी सुरक्षित शहरों में से एक है। ये शहर अच्छी प्रॉपर्टी और औसतन के रेट में घर उपलब्ध कराता है। सरकार के ऑटो और हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं भी सस्ती और सुलभ है। ओकविल, ओंटारियो। सुंदरता की दृष्टि से ये शहर अद्भुत है। यहाँ आने वाले इमिग्रेंट्स को बहुत सहूलियत मिलती है। जीवन शैली बेहतरीन है और सभी शिक्षित हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और रहने की व्यवस्था भी किफायती है। यहाँ फ्रेंच और इंग्लिश दोनों बोलने वाले लोग पाए जाते हैं। हैलिफैक्स, नोवा स्कोशा। रहने के लिए ये शहर बहुत ही बेहतर है। यह रहन सहन, पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य की सुविधा के साथ साथ सस्ता भी है। सरकार लोगों को रोजगार भी अच्छी मात्रा में उपलब्ध करती है। साथ ही दिन और रात में यहाँ घूमना सेफ है। प्राकृतिक सौंदर्य भी बेहतरीन है और प्रदूषण भी कम मात्रा में है। क्वेबेक सिटी, क्वेबेक। क्वेबेक सिटी कनाडा के क्वेबेक प्रांत की राजधानी है। यह इस प्रांत में मॉन्ट्रियल के बाद दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। ये 11th लार्जेस्ट सिटी और कनाडा का 7th लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन एरिया वाला शहर है। ये शहर हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर में भी आगे है। यहाँ का माहौल और जीवन शैली और शिक्षा शानदार है। वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया। वैंकूवर कनाडा में समुद्री किनारे पर एक स्थित शहर है। 2017 के आंकड़ों के अनुसार शहर में 6,75,000 लोग रहते हैं, जो इसे कनाडा का 8वां सबसे बड़ा शहर बनाते हैं। इसके शहरी इलाके में 23,00,000 लोग रहते हैं, जो इसे देश का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर और वेस्ट कनाडा में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बनाते हैं। जहां 53% लोग ऐसे हैं जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है। वैंकूवर और बर्नबी में स्थित कई बड़े फिल्म निर्माण स्टूडियो ने मेट्रो वैंकूवर को नॉर्थ अमेरिका के लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क शहर के बाद का तीसरा सबसे बड़ा फिल्म निर्माण का क्षेत्र बना दिया है, जिसके चलते इसे नॉर्थ हॉलीवुड कहा जाता है। ओटावा, ओंटारियो। ओटावा कनाडा की राजधानी है। ये सिटी हायर एजुकेशन के लिए सबसे अच्छी सिटी है, या यूं कहें कि ये शहर हायर एजुकेशन का केंद्र है। बेरोजगारी की दर और क्राइम रेट बहुत कम है। ये कनाडा का 5वां बड़ा शहर है। यहाँ के 1/3 निवासी फ्रेंच बोलते हैं, बाकी इंग्लिश बोलते हैं। ये शहर रेलवेज का बड़ा केंद्र है। लकड़ी और कागज के मिल्स का बड़ा केंद्र है। यहाँ का इंडस्ट्रियल लाइफ लकड़ी के संबंधित कारखानों पर निर्भर है। लोहा गलाने, रासायनिक द्रव तैयार करने तथा अन्य कारखाने भी यहाँ हैं। ओटावा के पास के क्षेत्रों से कई वाटरफॉल द्वारा बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। यहाँ शिक्षा तो बेहतरीन है ही, साथ ही में वह सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो अच्छे रहन सहन के लिए जरूरी होती हैं। कैलगरी, अल्बर्टा। अल्बर्टा का सबसे बड़ा शहर है कैलगरी। कनाडा का 3rd लार्जेस्ट अर्बन एरिया वाला शहर कैलगरी है। मैकेनिक, इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर और माइनर के लिए ये शहर खास माना जाता है। यहाँ ऑयल इंडस्ट्री शहर का मुख्य स्रोत है। मॉन्ट्रियल, क्वेबेक। ये कनाडा की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दूसरा शहर है। बच्चों की पढ़ाई और भाषाओं का विस्तार यहाँ पाया जाता है। बच्चों के साथ साथ सभी उम्र के लोग यहाँ रहकर सुकून पा सकते हैं। कनाडा का ये शहर अन्य शहरों की उपेक्षा में काफी किफायती है। यहाँ के अपार्टमेंट भी काफी सस्ते हैं। यहाँ जॉब के बहुत ऑप्शन हैं। टोरंटो, ओंटारियो। ये शहर कुशल शहरों में से एक है, जहाँ लोग काम भी खुशी खुशी करते हैं और नौकरी के भी कई ऑप्शन यहाँ उपलब्ध रहते हैं। गगनचुम्बी इमारतों के साथ ये एक बड़ा महानगर है। यहाँ पर घनी आबादी है। 400 एकड़ के हाई पार्क, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और कई फेमस प्लेसेस मौजूद हैं। यहाँ का रोमांचक माहौल और वातावरण लोगों को आकर्षित करता है। काफी विकसित शहर होने के कारण लोग यहाँ आकर बसना पसंद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।